प्राइम मास्टर गौती, एंड लाइक आई सेड अर्लियर कि अब आया हूँ तो किसी ना किसी को लेके जाओ। बैठ जाइए आप लोग। तो कोई एक लड़का होगा आज जिसके सपने शहनाज से शादी करने के टूट जाएंगे, और एक लड़की जो पारस के नाम की मेहंदी नहीं लगा पाएगी, अलविदा कहकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो मैं उन लोगों के नाम बता रहा हूँ जो कि नॉमिनेटेड है, लड़कों में मयंक एंड मयूर इंदीप, एंड लड़कियों में है हीना अंकिता एंड अवधीश। तो चेहरा इतना आपका ठीक है अवधीश? नहीं कुछ कहना चाहती है? मुझे नहीं जाना। आगे तो हमें बढ़ना पड़ेगा ना, पर एनीवे गाइस, तो अब लड़कों की बात करते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि लड़कों में बॉटम टू में कौन है इंडिया के वोट्स के हिसाब से? द हाउस थिंग्स आई एम गोइंग। हाउस को ऐसा लग रहा है कि आप जा रहे हैं। एनीवे लड़कों में बॉटम टू है हिंदी और मयंक, यानी कि मयूर सेफ, आप इस हफ्ते में सेफ हैं। तो लड़कियों में जानना चाहेंगे बॉटम टू में कौन है? नवदीश एंड हीना। तो इसका मतलब अंकिता सेफ है। तो आज होगा फैसला जिस लड़के के सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं शहनाज से शादी करने के, और आज ही होगा फैसला जिस लड़की की शादी या सफर पारस के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पारस और शहनाज, आप लोगों को उसकी फोटो स्टेटस में डालनी है और साथ में रीजन भी बताना है। प्लीज शुरू करते हैं शहनाज से। शहनाज कम ऑन। संदीप और मयंक, क्या लगता है आपको? मैं दोनों में से आपके हिसाब से, आपके हिसाब से मेरा लाइक डिसीजन जो है, मेरे को लगता है मुझे सेंसिबल लोग ज्यादा पसंद नहीं है, तो ज्यादा समझदार लोग जा, तो मुझे समझने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और वो मेरे साथ लॉन्ग टाइम के लिए चलते जो समझदार होते हैं। बट आपके पास टाइम बहुत कम था और आप जैसे लाइक यहाँ पे जो जो हुआ आपने मेरे लिए परफॉर्म भी नहीं किया, और मैं बाकियों के हिसाब से आपको अप्रिशिएट नहीं करती, बिकॉज बाकियों ने मेरे लिए कुछ ना कुछ किया और मेरा दिल जीता कहीं ना कहीं। और अगर हम मैच देखें तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बने। आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट। नो वरीज। ओके पारस, लड़कियों को करना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एक ही हफ्ता हुआ और मैं अभी सबको जान ही रहा हूँ। तो फिर भी एक स्पेशल बॉन्ड तो नहीं बन पाया है, और अभी जानना है, और एक हफ्ते में पांचों लड़कियों को जानना आसान नहीं है। तो इस बेसिस पे अगर मैं किसी को नॉमिनेट करूंगा तो मैं ही बेवकूफ होऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि इनमें से किसी को मैं मौका ना दूं। तो क्या हम इसको रद्द नहीं कर सकते? पारस बिल्कुल नहीं कर सकते। You have to decide, please, right now, please. नवदीश और हीना में से प्लीज किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पे और बॉन्डिंग बने, क्योंकि आप लड़कियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से गेम्स खेली हैं, पर कनेक्ट कुछ कुछ लोग ही कर पाए हैं। तो अगर कनेक्ट की बात की जाए तो नवदीश ने मेरे साथ कनेक्ट किया है और हीना मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाई है, तो मैं हीना को एलिमिनेट करना चाहूँगा। Sorry, Hina. No worries. Okay. तो पारस और शहनाज के डिसीजन के हिसाब से हीना और मयंक जा रहे हैं आज इस घर से। Okay, just have a small
अखाड़े में अगर मैंने बाय मिस्टेक फिजिकली जसलीन को हर्ट किया, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट. बाबा somebody is going right now, this is not the point, right? No, I wanted to make please yeah, I'll talk to them also. I'm feeling heavy. Yeah, shut up please. Don't say shut please, up please 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 son. Don't say shut up and all. आप भी जा सकते थे यार, इस सिचुएशन देखो प्लीज यार. चलो गाइस, सी यू. ऑफ कोर्स मैं आया हूं तो लेकर ही जाऊंगा ना दोनों को. ऐसा मैं कहता, ऐसा नहीं है, बोलो जल्दी. ऐसा मैं कहता पर ऐसा है नहीं ना, तो आप अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए. गॉड, तो मैं लेकर आ रहा हूं इस शो का पहला ट्विस्ट. आज दो लोग इस घर से जो बाहर जा रहे हैं वो है खुद पारस और शहनाज. खुद को फर्स्ट में ही मानती हूँ. तू भी जानती है कि तू फर्स्ट में नहीं, मैं फर्स्ट. नहीं नहीं नहीं, मैं उससे ज्यादा क्लोज हूँ और अगर कुछ डिस्कस करना हो वो मुझसे. नवदीश अपनी वोट बदल दे, अपनी वोट बदल दे. क्यों, रुक जाओ ना अब. ठीक है ओके, आप कहते हो कि आपके पास आप डिस्कस करते हैं. जब भी आपके साथ लड़ाई हुई है आपके साथ तो स्टैंड नहीं लिया. मेरी और संजना की लड़ाई हुई थी, उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया. किसी को भी तू पूछ ले यार, लड़कों को पूछ ले यार, अंडरस्टूड बात है. उसके भाई से पूछ ले जो उसके साथ शहनाज के यार, मुझे उनके साथ लॉन्ग टाइम चाहिए. मैं फर्स्ट में ही जाऊंगी, मुझे नहीं पता. तो तुझे मुझे नहीं पता, ये कहते मुझे उसके साथ टाइम चाहिए. आई लाइक दिस. यहाँ पे ये कोई डिसाइडेड नहीं है कि नंबर वन जाएगा कि नंबर टू जाएगा. मेरी बात सुन लो, बात सुनता रहो. अगर मैं नंबर वन पे नहीं हूँ, मैं जिसको सुनानी उसको सुना. नंबर वन पे है, मैं ये चाहूंगी डिसाइड पारस को पे आओ या दो पे आओ या तीन पे, जो भी डिसाइड है. You on first. मेरा वोट मेरा है. तेरा वोट मेरा, मेरा वोट मेरा है. मैं लड़कों से बात करते हैं, उनका क्या व्यू है फिर पूछ. नहीं मेरा वोट नवदीप रह गया. बात खत्म. मेरा वोट दे रहे आप प्लीज. अपने वोट का वोट नहीं काउंट करेगा, लड़कों का वोट नहीं काउंट करेगा. आप लोग राय दो. मेरे हिसाब से नवदीश नॉमिनेशन की बात कुछ हो ही नहीं है तो हमें फुद्दू ना बनाइए प्लीज. समझदार, बहुत समझदार है, वेरी गुड. मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये ऑनेस्ट है पूरा, ठीक है. नंबर वन पे अगर मैं हूँ, नंबर टू पे तू है ना, नंबर टू पे मैं नहीं बोल रही हूँ. नंबर टू पे नहीं, उससे नहीं होता है ना. अगर फैक्ट की बात करे तो फिर यही है, क्योंकि मैं आज ओपनली पारस से कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी कर सकती हूँ. और मेरे क्लोज है वो है. अगर उसको नहीं समझ में आता, अभी तो लास्ट उसका डिसीजन है ना. पारस तो खुद दो लोगों को चूज करना है. हो सकता है वो नंबर थ्री नंबर फोर भी चूज करे, हो सकता है नंबर वन नंबर टू नहीं करे. नंबर वन नंबर टू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फैक्ट अगर देखा जाए तो ये करेक्ट है. नहीं मैं, तू भी जानती है ये बात, तो बहस करने का मतलब नहीं है. फालतू में टास्क रद्द हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है. जसलीन की तो बातें सुन के मुझे गुस्सा आ रहा है. रुक रुक, मेरी बात सुन. हां जी बोल. उसने सुन लिया है, वो नंबर 2 पे है. एंड आई एम नंबर 3 से 2 पे. नहीं, बट द शी एक्टेड टू टेल हर टू बी सो सॉरी टू मी. सॉरी बोल. व्हाई शुड आई बी सॉरी? नो, व्हाई शुड आई बी सॉरी एंड आई शुड बी सॉरी फॉर व्हाट? यू वर टॉकिंग नॉनसेंस अबाउट अ वुमन दैट शी सो. मेरी बात सुन. अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन. अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन. सॉरी, इन दैट केस शी शुड बी सॉरी. एक्सक्यूज यार, एक्सक्यूज यार, टेल हर. अरे यार करो, स्टेटमेंट पास किया, किस-किस को लगा? मैंने आपसे बोला पर क्या आप, मैंने अगर मेरा फॉल्ट यही है कि मैं सबसे ज्यादा लॉयल रही हूँ, हाँ मैं थोड़ी सी चिपकू रही हूँ. आई एग्री इट माई सेल्फ, आई डिडंट ड्रॉ द लाइन. अगर मेरा फॉल्ट यही है कि मैंने सबसे ज्यादा टेक केयर किया, अगर मेरा फॉल्ट यही है कि मैं सबसे ज्यादा उसके पीछे थी, देन इट्स फाइन. अगर माई ऑनेस्टी वॉज माई बिगेस्ट फॉल्ट,
My concern was the biggest fault. My friendship towards him, the need for me to be with him, अगर मेरा सबसे ज्यादा था और वो ही है मेरा सबसे बड़ा fault, तो ये चौथा position मेरा ही है.